जम्मू में आज ट्रांसपोर्ट नगर से पुलिस ने एक बॉडी को रिकवर किया। गाड़ी के अंदर एक शव जो है वो मिला ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू में। जब बात करें कि गाड़ी, तो गाड़ी का नंबर JK02AF0691 है। सुबह 10:30 का ये मामला है और जो वहाँ के लोकल्स हैं और आसपास जो दुकानों में लोग काम करते हैं उनका ये कहना है कि 10:36 के करीब लोगों ने देखा कि वहाँ पर गाड़ी लगी हुई है। गाड़ी के अंदर जो है एक व्यक्ति है जो सांसें ले रहा है या नहीं ले रहा उनको नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी काफ़ी देर से वहाँ पर लगी हुई थी। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इमिजिएटली पुलिस को कॉल किया। लगभग 11:15 के करीब पुलिस जो है वो मौके पर पहुँच गई। उन्होंने वहाँ से बॉडी को रिकवर किया। अब बॉडी को रिकवर करने के बाद कई सारे लोगों ने हमें भी कॉल किया ये पूछने के लिए कि आखिर ये युवक कौन है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और साथ ही में जो आधार कार्ड पुलिस के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी से जो है रिकवर किया गया है, उस आधार कार्ड में इस व्यक्ति का नाम जो है मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है। साथ ही में पुलिस का ये कहना है कि ये रियासी का रहने वाला एक युवक है और आधार कार्ड के मुताबिक इसकी उम्र कोई 32 साल बताई जा रही है। रियासी में कुनका वाला का ये रहने वाला व्यक्ति है मोहम्मद अशरफ, जिसकी बॉडी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो है रिकवर की गई है। और आप जानते हैं कि ऑलरेडी जम्मू में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पर इसी तरीके से जो है वो बॉडीज रिकवर की जानी है। एक मामला आपको याद होगा कुछ समय पहले का, जहाँ पर वेयर हाउस से इसी तरीके से बॉडी रिकवर की गई थी। उससे पहले मैं आपको याद कराऊँ, कुछ महीने पहले का मामला जो है वो महाराजा हरि सिंह के पास, जो JDA की पार्किंग, महाराजा हरि सिंह पार्क के पास जो JDA की पार्किंग है उसमें से भी एक बॉडी रिकवर की गई थी। और आज जो है ट्रांसपोर्ट नगर में गाड़ी से मोहम्मद अशरफ, ये युवक हैं जिनका शव जो है वो पुलिस ने रिकवर किया। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस ने ये कहा है कि जो फैमिली थी मोहम्मद अशरफ की, उस फैमिली ने आकर उस शव को आइडेंटिफाई कर दिया है और ये कह दिया है कि ये उन्हीं के परिवार का सदस्य है। उसके अलावा भी, ताकि और कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको दिखा दूं कि जो आधार कार्ड बॉडी से बरामद किया गया है उस आधार कार्ड की तस्वीर मेरे पास है और ध्यान से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अशरफ। उसके अलावा जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है यहाँ पे 12/5/1988 और आधार कार्ड में तस्वीर भी जो है उस युवक की दिखाई गई है। डेड बॉडी की भी जो है वीडियोज़ और तस्वीरें हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हमने सही नहीं समझा कि वो आप तक पहुंचाया जाए। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि ये लिखा गया है, एड्रेस भी बताया गया है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, किस इलाके के रहने वाले थे। और पुलिस ने भी ये कन्फर्म किया है कि ये युवक जो है ये रियासी का युवक है। तो रियासी के इस युवक की बॉडी आज ट्रांसपोर्ट नगर से जो है रिकवर की है पुलिस ने। आजकल के टाइम में जो है ड्रग्स इतने बढ़ चुके हैं, मैं नहीं ये कह रही कि इस युवक की मृत्यु जो है वो ड्रग्स के कारण ही हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है, लेकिन प्रीलिमिनरी तौर पर ये देखा जा रहा है कि बॉडी के ऊपर कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे, बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल वुंड्स, कोई घाव जो है वो नहीं लगे हुए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि मर्डर का मामला हो सकता है, लेकिन वहीं ड्रग्स को रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है ऑपरेशन संजीवनी शुरू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर ये देखा जा रहा है कि जो ड्रग्स के मामले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों पर इसी तरीके से मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो है वो डेथ्स हो रही हैं और उसके बाद इसी तरीके से लोकल जो हैं वो बताते हैं कि इस एरिया पर एक बॉडी रिकवर की जा रही है। इस एरिया पर गाड़ी के अंदर या फिर रोड साइड पर या किसी भी होटल के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ से जो है बॉडी बरामद की जाती है। जम्मू में पहले भी ऐसे मामले बनते थे, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सोशल मीडिया के ज़रिए ये मामले ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा जो है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश जो है अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स करते हैं। इसके चलते जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों में जा रही है कि ऐसे मामले जम्मू में होते हैं। मामले पहले भी होते थे, लेकिन अब लोगों की नज़र में ये मामले ज़्यादा आ रहे हैं। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं उन सभी लोगों के लिए जो कॉल करके भी ये कह रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि उस समय आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली इस युवक की नहीं हो पा रही थी, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि अशरफ नाम का एक व्यक्ति हमारी फैमिली में भी है, कहीं ये वो तो नहीं है। तो रियासी का रहने वाला ये 33 वर्ष का मोहम्मद अशरफ जो है रियासी में कुनकाम वाला एरिया का रहने वाला है। फैमिली ने ऑलरेडी जो है बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है पुलिस के मुताबिक। उसके अलावा जो गाड़ी इनकी बताई जा रही है, गाड़ी का नंबर JK02AF0691 है। ट्रांसपोर्ट नगर में जब लोकल्स ने देखा कि गाड़ी लगी हुई है उस समय उन्होंने पुलिस को कॉल किया। लगभग 2 घंटे लगे, उसके बाद पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया। अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है और अभी मालूम होना बाकी है कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो किस वजह से हुई है।